अम्बाला शहर में चरमराई सफाई व्यवस्था, ओवरफ्लो नालों व शहर में जगह जगह लगने वाले कूड़े के ढेरों से शहर को निजात दिलवाने के लिए विधायक असीम गोयल एक्शन मोड में नजर आए। विधायक असीम गोयल ने नगर निगम पीडब्ल्यूडी, पब्लिक हेल्थ व अन्य विभागों के अधिकारियों को साथ लेकर शहर का दौरा किया। विधायक असीम गोयल ने सबसे पहले मॉडल टाउन में नाले में जमा गंदगी व पानी की निकासी, सड़क किनारे पड़ी गंदगी को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। वहीं इस दौरान लेट पहुंचे नगर निगम के डीएमसी की भी विधायक ने जमकर क्लास लगाई। इसके बाद जंडली बस स्टैंड से लेकर विकास विहार तक विधायक असीम गोयल सफाई व्यवस्था, नालों व सड़क के गड्ढों को लेकर भी विधायक असीम गोयल ने अधिकारियों को खूब फटकार लगाई। वहीं अम्बाला शहर के एजुकेशन हब कहे जाने वाले विकास विहार में पहली बार सफाई देख विधायक भी हैरान हो गए। इसके साथ ही विधायक ने अधिकारियों को आदेश दिए कि अगर कोई भी खुले में कूड़ा फेंकता है तो उस पर 20,000 रूपए जुर्माना लगाया जाए। मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक असीम गोयल ने बताया कि अगला दौरा सोमवार दोपहर को किया जाएगा। उससे पहले अधिकारियों को सभी गंदगी वाले प्वाइंट्स और गड्ढे चिन्हित करके ठीक करने के लिए कहा गया है, ताकि अम्बाला की सड़कें गड्ढा फ्री हो सके। देखिए, आज हमने कॉरपोरेशन, पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी और इरीगेशन के अधिकारियों के साथ मिलकर आज शहर के अंदर जहाँ जहाँ पे सड़कों में खड्डे हैं, दिक्कत है, जहाँ जहाँ पे सफाई व्यवस्था की दिक्कत है, जहाँ स्ट्रीट लाइट्स की दिक्कत है, या जहाँ पे ड्रेनेज की, सीवर वाटर की दिक्कत है, सीवर लाइन की समस्या है, वाटर लाइन की समस्या है, इन मूलभूत सुविधाओं को लेके आज एक एरिया जो है 2 घंटे में जितना एरिया हो पाया आज हमने उसके जो है एक दौरा किया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं जहाँ जहाँ खामियाँ नजर आई हैं। और अगला दौरा सोमवार को दोपहर से शहर के इंटरनल हिस्से में और शहर के जो बाहर की कॉलोनीज बनी है वहाँ पर दोपहर से सोमवार को मैं वो भी करूँगा। और इनको ये भी कहा जब तक 2 दिनों में आप अपने आप ही सफाई के नाते जो ब्लैक स्पॉट हैं, जो खड्डे हैं, अपने जेईस को आप अभी से निर्देश दे दें कि वो अपने अपने एरिया में जाके खुद ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर लें। दोबारा जहाँ पर शहर के अंदर गंदगी ओपनली नहीं आपको दिखेगी, ये हमारा प्रयास रहेगा। खड्डा फ्री सड़कें हों और स्ट्रीट लाइट, जो हमारा बड़ा टेंडर लग चुका है, लगभग 29,000 टोटल लाइटें शहर में लगनी है। हमारी कोशिश है 4,000 का टेंडर लोकल स्तर पर लग जाए और लगभग 25,000 लाइट्स का टेंडर जो है वो डायरेक्टरेट से फाइनल हो रहा है, तो शहर के अंदर इन बेसिक सुविधाओं की दिक्कत ना। सर देखिए, हमने सीधा कहा है कि जो जिम्मेवार है सफाई व्यवस्था को लेके उसका चालान होना चाहिए, वो कोई भी हो, कितना प्रभावी आदमी हो। शहर को गंदा करने का अधिकार किसी भी आदमी को नहीं है।